हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बनाएंगे हम यूट्यूब लोगो का पिल्लो। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए हमें यहाँ पर दो कलर के कपड़े लेने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पर रेड कलर का कपड़ा लिया है, जिसकी मैंने यहाँ पर लंबाई 14 इंच रखी है और मैंने यहाँ पर इसकी चौड़ाई भी 14 इंच रखी है। मतलब हमें इस तरह से चौकोर में 14 इंच का लंबा चौड़ाई का कपड़ा ले लेना है। और उसके बाद देखिए, यहाँ पर मैंने एक वाइट कलर का कपड़ा लिया है। तो यहाँ पर मैंने इसकी जो लंबाई रखी है वो रखी है 9 इंच और रखी है चौड़ाई मैंने इसकी 7 इंच। इस तरह से मैंने यहाँ पर ये दो कपड़े लिए हैं। और देखिए, इसके बीच में हमें यहाँ पर एक तिरछा इस तरह से निशान लगाना है। तो देखिए, मैंने इसके करीबन यहाँ पर 2-2 इंच का 300 से मैंने इस तरह से एक निशान लगा लिया, जैसे कि आपने YouTube लोगों में देखा होगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पर एक निशान लगा लेना है और उसके बाद में यहाँ पर हमें इस निशान के बराबर में इसको मैं कट कर लेना है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूवी डिज़ाइनर। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे भी यहाँ पर सिलाई से रिलेटेड हेल्पफुल वीडियो मिलती रहेगी। दोस्तों, वीडियो को पसंद आई, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और दोस्तों, आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो यूट्यूब के लिए तो एक लाइक बनता है, तो वीडियो को आप लाइक अभी से कर दीजिए। तो इस तरह से देखिए, मैंने इसको कट कर लिया है और अब यहाँ पर हमें इसको इस तरह से 4 फोल्ड में करना है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर इसको 4 फोल्ड में कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर हमें इसके कोनों पर इस तरह हल्के से हमें यहाँ पर ये गोलाई लगा देना है। इस तरह से हमें यहाँ पर कोनों में हल्के से गोलाई लगा देना है और यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह से। और उसके बाद देखिए, यहाँ पर हमें एक इसके बराबर में हमें दूसरा कपड़ा लेना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर कपड़ा ले लिया है और इसको हमें इसके ऊपर रख देना है और हमें इसके चारों तरफ हमें करीबन हमें 1 फुट का मार्जिन दबा देना है और यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह से हमें चारों तरफ इसके सिलाई लगा लेना है। और उसी तरह से देखिए, हमें इसमें जो हमने बीच में ये कट किया था तो उसी कट के बराबर में हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेना है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको यूट्यूब लोगो बनाने में कोई दिक्कत ना हो। आप इसको घर बैठे बना सकते हो बिल्कुल फ्री में, इसमें बिल्कुल भी आपका खर्चा नहीं आएगा। तो देखिए, हमें इस तरह से इसको इसके बराबर में कट कर लेना है और यहाँ पर हमें इसके कट करने के बाद में इसके कोने पर हमें यहाँ पर कट लगा देना है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, जो हमने यहाँ पर सिलाई लगाई थी उस सिलाई को हमें कट नहीं करना है। तो उसके बाद देखिए, यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा जो भी साइड में कपड़ा है उसके हमें कटिंग कर देना है। और उसके बाद देखिए, यहाँ पर हमें इसको इस तरह से खोलना है और यहाँ पर हमें एक कपड़े को इस तरह से कट लगा देना है। कट लगा के हमें इसके चारों तरफ से इसको हमें यहाँ पर कट कर लेना है। इस तरह से हमें कट कर लेना है और इसके हमें बीच में से भी इस तरह से हमें इसको कट कर लेना है। अब देखिए, यहाँ पर हमें इसको इस तरह से नाखून से इसको हमें इस तरह से बराबर कर लेना है। इसको हमें इस तरह से सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद में यहाँ पर हमें इसको अच्छे से पहले नाखून से बराबर कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर हम इसमें सिलाई लगाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमें इसमें इस तरह से इसको सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद में यहाँ पर हमें किनारे की सिलाई लगाना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर ये सिलाई कंप्लीट लगा ली है और उसी तरह से हमें यहाँ पर इसके बीच में भी किनारे की सिलाई लगा देना है। तो दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ पर ये भी सिलाई भी लगा दी है और अब यहाँ पर हमें रेड कलर का कपड़ा लेना है। तो इसके ऊपर हमें इसको इस तरह से रख देना है। इस तरह से रखने के बाद में देखिए, इसमें हमें चारों तरफ से हमें जो एक कपड़ा साइड में बचा है उसको हमें बराबर रखना है। तो मतलब हमें इसके आमने सामने की जो भी दोनों साइडें हैं, आमने सामने की साइड में हमें इसको कपड़े को इस तरह से बराबर कर लेना है इंच डेप से नाप के, और यहाँ पर हमें इसको इस तरह से रख देना है। ऐसे रखने के बाद में देखिए, यहाँ पर हमें इस तरह से किनारे की सिलाई लगा लेना है और हमें इसको अटैच कर देना है। और उसी तरह से देखिए, हमें यहाँ पर इसमें बीच में भी ये सिलाई लगा के इसको भी हमें अटैच कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पर इसके बराबर एक दूसरा कपड़ा लेना है।
तो देखिए मैंने यहाँ पर इसी के बराबर एक कपड़ा और ले लिया है, तो हमें इसको इस तरह से उल्टा रख देना है। और ऐसे रखने के बाद में देखिए हमें इसके तीन साइड में ये सिलाई लगाना है, मतलब हमें यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन दबा देना है और हमें तीन साइड में इसमें सिलाई लगा लेना है। एक साइड को हमें इस तरह से खुला रखना है और यहाँ पर देखिए मैं एक्स्ट्रा जो भी साइड में कपड़ा उसको हमें कट कर देना है। और अब यहाँ पर हमें इसको इस तरह से सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद में देखिए हमें इसके अच्छी तरीके से ये कोने निकाल लेने हैं। तो इन कोनों को आप यहाँ पर कैंची से अच्छी तरीके से निकाल लेना इस तरह से इसको डाल के। और दोस्तों अब देखिए इसमें हम डालेंगे रुई, तो आप अपनी पसंद के हिसाब से इसमें रुई डाल सकते हो, कपड़ों की आप कतरन डाल सकते हो। देखिए मेरे पास में ये फोम पड़ी है जो कि हम सूट में सूट सिलते हैं तो उसमें रेडीमेड सूट में आती है ये फोम, तो ये मेरे पास में बहुत सारी फोम पड़ी है। तो देखिए मैंने इस फोम को इस तरह से एक बना के रखा है, मतलब इसमें मैंने सूत आगे से इसको इस तरह से मैंने बना लिया है इस कपड़े के साइज़ के बराबर में। दोस्तों आप इसमें मशीन चलाने की कोशिश मत करना क्योंकि यहाँ पर इसमें मशीन नहीं चलती है फोम पे, तो मैंने इस तरह से हाथ से इसको इस तरह से सिल के इसे मैंने इसको तैयार कर लिया है। तो मैंने इसको इसी के बराबर में तैयार कर लिया है और अब यहाँ पर मैं इसको भी इसके अंदर डालना है। और उसके अलावा देखिए मैंने यहाँ पर ये फोम के छोटे छोटे मैंने टुकड़े कट कर लिए हैं, तो इसको भी मैं इसके अंदर डालना है। साथ में मैंने यहाँ पर ये कतरन के छोटे छोटे टुकड़े भी मैंने इसको कट कर लिया है, तो ये तीनों चीज़ें हम इसके अंदर डालने वाले हैं। तो दोस्तों इनसे क्या होगा कि जो हमारा ये बिल्लो है वो बहुत ही ज़्यादा हल्का रहेगा, और हम कतरन डालेंगे तो कतरन से क्या होता है कि जो हमारा पिल्लो है वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा। और आप चाहो तो इसके अंदर जो टेडी बेयर में रुई आती है वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हो, लेकिन उसमें आपके थोड़े पैसे लगेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये घरेलू उपाय बताया है जिसमें बिल्कुल भी खर्चा नहीं आता है। तो इसको आप यहाँ पर इस तरह से डाल सकते हो और आप चाहो तो इसमें कतरन भी डाल सकते हो। तो इस तरह से हमें इसको इसके अंदर डाल देना है और यहाँ पर हमें इसको इस तरह से बराबर कर लेना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं जो कतरन और जो हमने फोम के टुकड़े कट किए थे तो उनको भी हमें इनके अंदर डाल देना है। दोनों को हमें इस तरह से मिक्स करते जाना है, साथ साथ में दोनों को हमें इस तरह से डाल देना है। दोस्तों आप यहाँ पर कतरन में अगर आपके पास में नेट पड़ी है तो आप नेट के टुकड़े कट कर लीजिए, जो आपके पास में वेस्टेज नेट है तो आप इसके अंदर हो सके तो आपके पास में नेट हो तो नेट डालना, क्योंकि नेट थोड़ी हल्की होती है और थोड़ी फुली फुली रहती है, तो इससे जो आपका पिल्लो है बहुत ज़्यादा हल्का बनेगा और ज़्यादा वजन नहीं होगा और इससे फुला फुला रहेगा। तो मैंने देखिए अधिकतर यहाँ पर ये नेट के टुकड़े कट किए हैं, जो कि मेरे पास में एक्स्ट्रा जो कतरन बचती है वो मैंने यहाँ पर यूज़ की है। तो देखिए मैंने इसको इस तरह से डाल दिया है और अब यहाँ पर मैं इसके एक साइड से इसको हमें हाथ सुई धागे से सिल देना है। तो देखिए मैं यहाँ पर धागे को इस तरह से चार फोल्ड में डालना है। इस तरह से डालने के बाद में यहाँ पर देखिए कपड़े को हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है और फोल्ड करके यहाँ पर हमें इसमें एकदम बारीक बारीक हमें यहाँ पर सिलाई लगाना है। दोस्तों ये सिलाई आप चाहो तो मशीन से भी लगा सकते हो, लेकिन मशीन से लगाओगे तो इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी, तो इसलिए आप इसको हाथ से लगाना। तो दोस्तों इसी तरह से हमें यहाँ पर पूरे में ये सिलाई लगा लेना है और हमें यहाँ पर पिल्लो को तैयार कर लेना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर ये पिल्लो को इस तरह से कंप्लीट तैयार कर लिया है और देखिए मैंने इस साइड में ये सिलाई भी लगा ली है, तो इसको एकदम फिनिशिंग के साथ मैंने सिलाई लगाई है। सो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताना आपको ये पिल्लो कैसा लगा। अगर आपको ये पिल्लो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर आगे भी सिलाई से रिलेटेड हेल्पफुल वीडियो मिलती रहेगी। दोस्तों आपको किसी भी टाइप की सिलाई सीखनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना, मैं वहीं पे भी आपके जवाब ज़रूर दूंगा। सो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।